अभी मैं जा रही हूँ कूदने, अगर कुछ हुआ तो नहीं हुआ कुछ बचा लेना। वहाँ पे है फॉल्स और हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिला, इतना जल्दी जल्दी रेडी हो गई हूँ। तो मैं रास्ते में बताती हूँ आप लोगों को मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो दरवाजा बंद करो, मेरा चप्पल तो मेरे। सो अभी मैं जा रही हूँ शिलोंग ट्रिप पे, तो मेघालय टूर करने जा रही हूँ एक भैया के साथ। मैं आप लोगों को बताती हूँ रास्ते में अच्छे से। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले वो नीचे गाड़ी खड़ी है मेरे लिए। और अभी मैंने क्या क्या पैक किया मुझे ना, अभी बज रहे हैं सुबह का 5:30 बजने वाले हैं। सो इतना जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ मैं। राइट टर्न लेना है आपको उधर। सो गाइस, আমি এতিয়া দাদাজনক উঠাবলে আহিলো ইয়াতে বেলতলা। ও বেলতলা নেই না, হ্যাঁ বেলতলা নেই, 6 মাইল আহিছো আমি জয়নগৰ সাইডে। টোপনি পুৰাই হোৱা নাই, ইমান টোপনি ধৰি আছে এতিয়াও, সব তো ফুলি আছে একদম। এতিয়া ফুল হৈ যাম আৰু পুৰা শিলঙৰ লগে। মৰ্নিং, ভাল আপোনাৰ? ভাল शिलोंग पहुंच गई हूँ। आप लोग मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से पता नहीं। और यहाँ पे इतना कैसे इतना जोर से हवा दे रहा है और पूरा उड़ रहा है, तो मेरा बैग भी उड़ गया था। और कि मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं, आप लोग देख सकते हैं कितना हवा, मेरा कैब भी उड़ने वाला है। मैं आप लोगों को बताया भी नहीं, मैं अचानक से शिलोंग बैग पैक करके अचानक से क्यों आई हूँ। तो हाँ, जैसे मैं कुछ दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि मैं लाइक शिलोंग में लाइक घूमने के लिए आओ। आप लोग सोच भी रहे होंगे मैं इतना शिलोंग का ही वीडियो बनाती हूँ। तो अभी मैं लाइक एक भैया के साथ आई हूँ, जो कि वो भैया ट्रैवल एजेंसी बोल सकते हैं उन लोग का, ट्रैवल, हाँ ट्रैवल एजेंसी है उन लोग का। तो टूर गाइड है, जो कि मैंने यहाँ पे इतना सारा वाटरफॉल्स वगैरह है मैंने आज तक वो सब नहीं दिया है इसीलिए। और गुवाहाटी में कितना गर्मी है इसीलिए मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था ऐसी थोड़ी ठंडी जगह पे। वाटरफॉल वगैरह, माउंटेन्स, ट्रैकिंग वगैरह मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो ट्रैकिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है। और मेरा आवाज़ अच्छे से आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इतना हवा दे रहा है ना, आप लोग सुनाई दे रहा होगा। सो मैं जो भैया के साथ आई हूँ, जो एजेंसी के साथ आई हूँ, मैं आप लोगों को वो भैया से मिलाती हूँ। आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम पर, मैं टैग करूँगी। और ये है भैया, हम लोग का ट्रैवल गाइड है, जो कि टी शर्ट भी पहना हुआ है ना भैया, बैक पैक वायर। तो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? वाह, चिकी फॉल्स मैंने बहुत सुना है, देखा भी है लेकिन नहीं गया। तो आज चलते हैं गाइस, मैं हम लोग को लेके जाती हूँ वहाँ पे। तो लेट्स गो, अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सो गाड़ी लेने आ रहे हैं हम लोगों को। यस गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर। लोग अभी यहाँ निकलने वाले हैं, तो जो लोग हम लोग के साथ जाने वाले हैं ग्रुप पे, हम लोग जा रहे हैं तो उन लोग को पिकअप करने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और भैया लोग हाँ वहाँ पे, हम लोग अभी पता नहीं कहाँ पे है, लबान में हैं हम लोग। तो यहाँ गए अभी निकलते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे सुबह उठ के आ गई थी। हाय बोलो भैया। हाय। ये भैया हम लोग को लेने लेके जाने वाले हैं ना आज फिफी फॉल्स, फिर दाउकी स्नोबोर्डिंग। ओके, कितना टाइम लगेगा यहाँ से? ऑलमोस्ट 4 आवर्स। चलो फिर चलते हैं। मैं बैगे भूख लगी से तो क्या केक खाया सो आरो ना दादा, दादा धुनिया केक दिले यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा ब्रेक लेने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट अभी हम लोग यहाँ पे चाय वाय पियेंगे कुछ,
मैंने तो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। आप 4 साल हो गया शायद जब यहाँ पे वो था वीकेंडर, जब क्या था NH7 वीकेंडर, तभी मैं यहाँ पे आई थी। ठीक है भाई, जाओ आप। तभी मैं आई थी, तो आई थिंक तीन चार साल बाद में यहाँ पे आई हूँ। सो इस गाइस अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। लंच प्रॉपर ऐसे चाय पे जाता है ना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, और यहाँ से हम लोग थोड़ा ट्रैक करके जाएंगे। आई थिंक 15 to 20 मिनट्स है ना भैया? हाँ, 15 to 20 मिनट्स लगने वाले हैं यहाँ से। वहाँ पानी है, ऊपर से जाना पड़ेगा। ओहो, मैं तो सैंडल भी नहीं आई मुझे। हाँ, जूता तो चेंज कर बनो। फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे है फॉल्स, और हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटू सा एक शॉप है, कुछ पीने के लिए ले लो क्या, फ्रूटी दीजिए ना मम्मा मुझे। 8:15 में दो। पहुंचने ही वाले थे हम लोग। फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं पीछे वाव किमान धुनिया, और पूरा ब्लू ब्लू है। ब्लू या ग्रीन कुछ समझ में नहीं आ रहा है पानी का कलर, लेकिन बहुत सुंदर है। आप लोगों को पास में जाके दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ मैं। गैस है दोबारा मन गैस है। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि पानी कितना ठंडा है। आवाज़ आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई थिंक ये वाटरफॉल का आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा, और वाटरफॉल बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं अपने आँखों से, देखिए आप लोग कितना अमेजिंग है यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा नहाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मैं कपड़ा लेके नहीं आई, मतलब है लेके आई हूँ, बट मैं सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे नहाऊंगी, इसीलिए मैं गाड़ी पे अपना कपड़ा रख दिया है। तो देखते हैं कल, और दूसरा वाटरफॉल भी जाना है, बहुत सारा जगह घूमना है कल, तो देखते हैं गाइस। यहाँ से आई गेस हम लोग दाऊकी जाएंगे अभी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ये। हम लोग आए हैं फीफी फॉल्स, तो ऑब्वियसली आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो ये है फीफी फॉल्स, और हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से दाऊकी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग आज रात शायद दाऊकी में रुकेंगे। तो पता नहीं गाइस बाद में मेरा चार्ज खत्म भी हो सकता है, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों का चकली ना, ट्रेडिशनल है ना। वाओ, थैंक यू। नहीं नहीं होगा, क्या बनाया है, किसने बनाया भी नहीं है बनाने। सो अभी मैं चकली ट्राई करूंगी। थैंक यू। ओ वाओ, थैंक यू। लड्डू भी, ओ वाओ। चकली खाऊंगी मैं, चकली। एलिफेंट फॉल नहीं है ना? नहीं। टेस्टी। थोड़ा सा। प्यार से दे रहे, तो थोड़ा सा ही खाऊंगी, बाकी बाद में खाऊंगी अगर होगा तो। सो गाइस हम लोग फाइनली अभी पहुंच गए हैं दाऊकी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना कॉटेज पे। तो आज हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं, और अब ये व्यू देख सकते हैं, चेक दिस व्यू, वाओ। मेरा हालत देख सकते हैं, इतना गर्मी है, हम दोनों ने सब ऊपर का टॉप शर्ट्स वगैरह उतार के अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। हालत देख सकते हैं कितना गर्मी है यहाँ पे दाऊकी में। मैंने सोचा नहीं था इतना गर्मी होगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे 5 साल के बाद आई हूँ, इसीलिए। सो चलती है अभी खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हम लोगों को, तो अभी खाना खाने चलते हैं, क्या मिलता है देखते हैं यहाँ पे।
खाती हूँ मैं। तो गाइस हम लोगों ने अभी खाना वाना खा लिया है, तो अभी चलते हैं नीचे बोटिंग के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर में सुंदर सा ब्रिज है और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह टेंट, यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। अभी हम लोग बोटिंग करने जाएंगे। सो चलते मिट्टी लग गया पूरा। आप लोगों ने देखा ही होगा मैं कैसे गिर गई है अभी। ये चप्पल पहन के ऐसा हुआ है, चप्पल पहनने से स्लिप हो जाते हैं, ऐसे पत्थर का ऊपर चलने से ऐसा हो जाता है। बस हम लोगों ने ले लिया है अपना लाइफ जैकेट, बहुत इम्पोर्टेंट है तो हम लोगों ने ले लिया है लाइफ जैकेट। और अभी चलते हैं बोटिंग के लिए। मेरा हालत देख सकते हैं आप लोग कैसा हो गया। इतना है भले ही से ठंडा एकदम जोपिया जी को कौन कौन से इतना मछली है वाह का सफा पानी तो। हाय दीदी कैसा लग रहा है यार मानो की का जाबो मन न करे सगे चले जगह ইফালে মানুহ মাছ ধৰি আছে নাও লৈ। সো গাইস আবি ये करने वाली है क्लिप जंपिंग। एक्चुअली मुझे पता नहीं था क्लिप जंपिंग ऐसे यहाँ से नीचे कूदना है सो मैंने सोचा था कि लाइक बंजी जंपिंग टाइप का होगा मुझे डर लगता है वो सब करने के लिए। सो अभी ये जंप मरने वाली है, यहाँ से कूदने वाली है। सो देखते हैं गाइस, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो मैं भी कर सकती हूँ। सो देखते हैं ये वीडियो क्या हो गया। हम भी आओगे चलो गो। कितना अमेजिंग है ना गाइस, बताओ मुझे भी करना चाहिए क्या लेकिन मैंने अच्छा वाला वो लाइफ जैकेट लेके नहीं आया है। अभी मैं जा रही हूँ कूदने, अगर कुछ हुआ तो नहीं हुआ कुछ बचा लेना। Nice. So guys, finally, आप लोगों ने देखा मैंने दो बार जंप मारा ऊपर से और ये मेरा फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस। हाँ बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी मैं ये आई थिंक ये ज्यादा टाइट हो गया है इसीलिए थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरा कोरोना हो गया बोलेगा कोरोना का टेस्ट तो करा लेंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा था है ना। सो आमी फाइनली इतना क्लिप जंपिंग करी आहिलो और चाय बिहार और है तो बिहार और पाई से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पूरी बोले मेघालय में कैसा लग रहा है अभी मतलब अच्छा अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। और भी हम लोग घूमने जाएंगे कहीं कहीं पे, मैंने भी एक दो जगह पे नहीं किया और ये मेरा फर्स्ट टाइम था क्लिप जंपिंग लाइफ में। बहुत अच्छा लगा, अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छा लगा, पहले में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था फिर बाद में नहीं मुझे करना ही है बोल के मैंने कर लिया। सो अच्छा लगा। सो अभी फ्रेश हो लेते फिर उसके बाद मिलते गाइस, हम लोग का रूम भी दिखाना है आप लोगों को। तो गाइस अभी मैं खाने वाली हूँ मैगी। बारिश दे रहे गाइस अभी हम लोग और ये भैया छाता लेके जा रहे थे तो उसके साथ में आ गई छाते के नीचे आ जा तुम भी तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। थैंक यू ठीक किया।